ठीक, दिस इज श्रद्धा, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज का वीडियो है प्रोडक्ट रिव्यू पर, और जो प्रोडक्ट मैंने चूज़ किया है वो ये है सारा प्रोफेशनल सोल ऑफ ब्यूटी। और ये एक प्रोफेशनल पैक है, मोस्टली के पर सैलॉन्स में ही, अगर आपने कभी सैलॉन में D10 पैक लिया होगा तो उन्होंने आपको ये ज़रूर रिकमेंड किया होगा, बिकॉज इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। और ये ऑक्सीडिटेन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है D10 के लिए। और गाइस, जैसे कि मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि इससे आपके पिगमेंटेशन चले जाएंगे, अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट है डलनेस है तो वो भी इससे चली जाएगी, आपके फेस पे ब्राइटनेस आएगी, क्लियरनेस आएगी। सो अगर इतने सारा क्लेम किया हुआ है इन्होंने, सो मुझे लगा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए, एक वीडियो बनाया जाए। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लिंक के थ्रू अमेजोन पर जाकर इसे इजीली बाय कर सकते हो। सो चलिए फटाफट से देखते हैं कैसा रहेगा इसका रिज़ल्ट। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक ब्रश लेना है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, और ब्रश है तो बहुत अच्छी बात है। सो आपको ब्रश से पूरे फेस पे इवनली एक थिन लेयर अप्लाई करनी है। सजना है मुझे, सजना के डोंट फॉरगेट टू अप्लाई दिस ऑन योर ईयर्स, बिकॉज चेहरा तो चमकता रहता है और हमारे ईयर्स का कलर, लाइक आप वहाँ पे अगर टैन नहीं करोगे तो वो ईयर्स की टैनिंग दिखती रहती है, जो कि बहुत ही गंदी लगती है। सो पूरे फेस पे इवनली लगा लीजिए, और उसके बाद 10 से 15 मिनट का टाइम दीजिए सूखने के लिए। वैसे 10 मिनट तो एनफ है, और जैसे ही ये सूख जाए, 10 मिनट हो जाए, तो आपको क्या करना है कि एक वेट क्लॉथ लेना है और हल्के हाथों से सारे क्रीम को रिमूव कर देना है। खिला खिला सा चेहरा है, कितनी शाइनिंग है फेस पे, कितनी ब्राइटनेस है फेस पे, और एक जो फ्रेशनेस फील हो रही है पूरे फेस पे, मुझे एक कोल्डनेस फील हो रही है, बिल्कुल सॉफ्टनेस फील हो रही है। सो गाइस, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।